नमस्कार, मैं नरेश कौशल, दैनिक अर्थ प्रकाश मीडिया ग्रुप की ओर से आज एक लेकर आया हूँ एक नई शख्सियत को। इससे पहले कि मैं उनसे परिचय कराऊँ, मैं कहना चाहूँगा कि हर आदमी अपनी लक्ष्य की ओर बढ़ता है, हर आदमी अपनी मंजिल की ओर चलता है और वो चाहता है कि मैं सफलता की सीढ़ियाँ चलता जाऊँ और सुरक्षित रहूँ। लेकिन इसके पीछे, उसकी मंजिल के पीछे एक ऐसी हस्ती होती है, एक ऐसी शख्सियत होती है जो ये सुनिश्चित करती है कि उसका जो आवागमन है, उसकी जो यात्रा है, उसका जो लक्ष्य है, उसकी जो मंजिल है, वो ठीक तरह से पूरी हो सके। मेरी मुराद है चंडीगढ़ के रेलवे स्टेशन से, जो आजकल कार्यरत हैं स्टेशन सुपरिटेंडेंट के तौर पे, मिस्टर अनिल कुमार अग्रवाल, जो हमारे स्टूडियो में आज पधारे हैं। तो आपसे रूबरू करवाते हैं, स्वागत है अनिल जी आपका। धन्यवाद। तो आप जो स्टेशन पे दिन भर रहते होंगे, रात को रहते होंगे, जब घर आते हैं तो जब घर की एकांतता है, शांति है, वो आपको कचोटती नहीं है? ऐसा नहीं लगता कि शोर पड़ना चाहिए? ये वैसे आपको हल्का फुल्का सवाल कर रहा हूँ। नहीं, ज़िंदगी के सफ़र में कभी ऐसा सोचा नहीं, क्योंकि घर पहुंचते ही इतने थके मांदे होते थे तो भला आराम ही करना होता था, मतलब इस तरह कभी ध्यान नहीं दिया। परिवार में मस्त हो जाते हैं। मस्त हो जाते हैं। ठीक है, ठीक है। तो अनिल जी, हम इससे पहले कि हम इस आपकी जो रेल यात्रा कहूँगा मैं इसको हम आगे बढ़ाएं, पहले हम व्यक्तिगत तौर पर आपसे प्रश्न करना चाहेंगे कि आपका जो रेलवे में सिलेक्शन कैसे हुआ, आपकी क्या रुचि थी और आपकी क्या क्वालिफिकेशन रही और कब से आपने ज्वाइन किया, आप संक्षिप्त रूप में अपना परिचय दीजिए। मैं आपको बता देता हूँ कि मैं चंडीगढ़ में ही पैदा हुआ हूँ। जी जी मेरा बर्थ प्लेस है चंडीगढ़ जी, और SD कॉलेज से मैंने BCOM किया है जी, और 1986 में रेलवे में अपॉइंटमेंट हुआ है। 80 में मैंने ग्रेजुएशन की थी, तो 80 और 86 के बीच में मैं थिएटर किया करता था, मैं डायरेक्टर था, निर्देशक था जी, तो फिल्में भी बनाई हैं, गाने भी शूट किए थे। ओके। तो पिताजी को ये चीज़ पसंद नहीं थी जी, वो मुझे कहा करते थे कि कहाँ मरासी मेरे घर में पैदा हो गए। जी जी तो फिर उनके लिए मैंने फिर फॉर्म भरा ये रेलवे का। जी जी तो बल्कि मेरा जो सिलेक्शन हुआ था, इंटरव्यू हुआ था, उसमें भी उन्होंने मुझसे ये कहा था कि आपको तो रेल की नौकरी की ज़रूरत है नहीं। जी जी लेकिन मैंने उनसे यही बताया था कि मेरे पिताजी बाहर बैठे हैं, उनको ज़रूरत है, तो अगर आपको लगता है कि मैं एलिजिबल हूँ तो मुझे सिलेक्ट कर लीजिए। जी जी तो सिलेक्शन हो गया, उसके बाद रेलवे ज्वाइन कर ली। किस पोस्ट पे सिलेक्शन हुआ आपका? मेरा सिलेक्शन हुआ था असिस्टेंट स्टेशन मास्टर की जॉब। जी जी और उसके बाद? उसके बाद धीरे धीरे प्रमोशंस होती रही, स्टेशन मास्टर बना, फिर यातायात निरीक्षक बना, और आजकल मैं, आपको पता ही है कि मैं चंडीगढ़ स्टेशन पे स्टेशन सुपरिटेंडेंट हूँ। और नेक्स्ट ईयर 2021 फरवरी में मैं रिटायर हो रहा हूँ। जी, चलो, वो तो सभी सफलता से अगर अपना सेवाकाल पूरा करें तो इसकी हम एडवांस में शुभकामनाएं देते हैं आपको। आपने अभी जिक्र किया यातायात निरीक्षक का, तो ये हमारे को एक क्यूरियोसिटी है, जिज्ञासा हमारे दर्शकों को भी रही होगी कि ये इतना तामझाम होता है रेलवे का, हम आम लोग जो हैं ये कैसे समझें कि जो गाड़ियाँ हैं, जो सड़क, जो जो रेल की लाइनें हैं, ट्रैक्स हैं, वो वीरान क्षेत्रों से जाते हैं, जंगल वाले क्षेत्र से भी जाते हैं, तो तोड़फोड़ की आशंका भी बनी रहती है। तो इसी यातायात के सिस्टम को कैसे आप इंश्योर करते हैं कि गाड़ियां जो है सुरक्षित अपने गंतव्य की ओर बढ़ती रहे, आप इसको थोड़ा सा संक्षिप्त में बताइए। देखिए, रेलवे का सबसे महत्वपूर्ण मोटो जो है वो सेफ्टी है जी, कि हमने पैसेंजर को ठीक ठाक उसके घर तक, गंतव्य स्टेशन तक पहुंचाना है जी। इसमें
आपने जैसे जिक्र किया कि ट्रैक वीरान होते हैं, जी वहाँ तोड़फोड़ का भी खतरा रहता है, तो हमारे अपने प्रिकॉशंस हैं जो हम लेते हैं, जैसे हमारे इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है उसकी मैन पावर इसकी पेट्रोलिंग करती है ट्रैक की डे एंड नाइट, विंटर पेट्रोलिंग अलग से है, बरसात हो रही है तो पेट्रोलिंग अलग से है इन एडिशन टू दैट। और जब हमें ऐसी कोई आशंका होती है कि कोई घटना ऐसी घट सकती है, संभावना है, तो हम फिर हर गाड़ी के आगे एक पायलट इंजन चलाते हैं ताकि सेफ्टी इंश्योर की जा सके कि भी कोई रास्ते में गड़बड़, फिर अदरवाइज रास्ते में हमारे फाटक हैं, लेवल क्रॉसिंग्स हैं, हर 3-4 किलोमीटर के बाद लेवल क्रॉसिंग कोई ना कोई होती है, तो पता लग जाता है, तो इंश्योर हो जाता है मैन पावर। आप ये समझ लीजिए कि हर किलोमीटर पर एक आदमी रहता है जो ट्रैक की देखभाल कर रहा है। तो उसकी सेफ्टी की क्या व्यवस्था होती है उस आदमी की? वो उसकी उसके पास कोई वायरलेस कोई सिस्टम होता है क्या? नहीं, अब तो टेक्नोलॉजी काफ़ी हाई हो गई, अब तो GPS दे दिए गए हैं, मोबाइल फोन्स आ गए हैं। पहले जब कम्युनिकेशन नहीं होता था तो वो फिर कम्युनिकेशन अरेंज करता था। पहले हमारी जो कम्युनिकेशन की लाइंस थी, आपने देखा होगा, खम्भों के ऊपर थी, अब वैसा नहीं है क्योंकि अब मोबाइल फोन्स आ गए हैं, उसकी ज़रूरत रही नहीं है। तो उनके पास फोन्स होते थे जिनको हम PCP सेट बोलते हैं, वो कार के साथ कनेक्शन जोड़ के बात कर लेता था, वो हमारे डिविजनल हेडक्वार्टर के साथ सीधा जुड़ता था। अच्छा अनिल जी, एक क्रियास्ती और है, हमने बचपन में काफ़ी टाइम ऐसी जगह रहे हैं जहाँ स्टेशन पास पास थे, ट्रैक भी पास पास थे, तो एक हम देखा करते थे कि एक ठेला होता था, ठेला बोलते हैं शायद उसको, उस पर लाइन पे एक मजदूर भागता था और उसकी स्पीड इतनी होती थी और उसकी एक्यूरेसी इतनी होती थी कि वो लाइन के नीचे पैर नहीं लगता था उसका। वो ठेला क्या आजकल भी चलते हैं? जी, वो आजकल भी चलते हैं। वो कितना क्या क्या उनका प्रोसीजर होता है? हमारा इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है जी, उसकी मोबिलिटी के लिए जो, क्योंकि उसको ट्रैक को चेक भी करना है जी, मेंटेनेंस भी देखनी है जी, तो वो जो PWI है हमारा सेक्शनल इंजीनियर है, वो अपने स्टाफ के साथ उस पर बैठ के जाता है जी, और 4 आदमी उसको धक्का मारते हैं। उनका कितना कितना एरिया, कितनी लेंथ तक कवर करना होता है उनको? उनको एक दिन में 6 या 7 किलोमीटर, इससे ज़्यादा जी। ये हर स्टेशन पर ठेले होते हैं ऐसे? जी। ओके, एक अनिल जी बात और ऐसी ही क्रियोस्टी वाली है, हमने ये भी देखा रेलवे स्टेशनों पर खड़े होके कि जब गाड़ी निकलती है या नहीं रुकना होता गाड़ी को, तो इंजन में से एक व्यक्ति जो है वो ऐसे इंजन में या गार्ड वाली साइड से एक वो होता है रिंग सा होता है, वो एक फेंक देते हैं, एक साथ ले जाते हैं कुछ ऐसा, वो क्या सिस्टम है, वो जरा हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए ऐसा है सर, सिंगल लाइन में 2 स्टेशनों के बीच एक ही गाड़ी रहनी चाहिए, तो उसको हम कैसे इंश्योर करेंगे कि 2 स्टेशनों के बीच एक ही गाड़ी रहे? जी, ह्यूमन टेंडेंसी पे हम विश्वास इसलिए नहीं करते, उससे गलती हो सकती है। ओके, तो हमने एक ऐसी मशीन बनाई जिससे एक गोला निकलता है, वो हमें तभी मिलेगा जब हमें अगला स्टेशन उसकी परमिशन देगा। ओके, पहले तो वो ये सुनिश्चित करेगा कि दोनों स्टेशनों के बीच कोई गाड़ी नहीं है जी, फिर उसकी परमिशन रिक्वायर्ड है। ओके, फिर जो हमारा लास्ट स्टॉप सिग्नल है जिसको देख के ड्राइवर ने चलना है जी, वो भी उसके साथ जुड़ा हुआ है जी, तो गोला तभी निकलेगा जब सभी शर्तें पूरी हो जाएंगी। ओके, मतलब एक स्टेशन के दूसरे स्टेशन के बीच में गेट हैं जो बंद हो गए हैं, कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है, तभी वो गोला होगा। ये अच्छा, वो इसको हम बोलते हैं लाइन क्लियर। हाँ, ओके, तो जो आप देख रहे हो ड्राइवर पिछला गोला फेंक रहा है, अगला गोला ले रहा है, वो आगे जाके दूसरे स्टेशन पे दे देगा। तो मैं इसमें एक ये बहुत पुरानी पुरानी हाँ, मैं पुरानी की बात ही कर रहा हूँ,
जैसे अब हमारी टेक्नोलॉजी जो है वो इतनी हाई हो गई है, इतनी वास्ट हो गई है, क्या उस टेक्नोलॉजी में भी ये सिस्टम अभी भी चल रहे हैं? नहीं, कुछ जगह चल रहे हैं जहाँ एक या दो गाड़ियाँ चल रही हैं, ज़्यादा गाड़ियाँ नहीं, अदरवाइज इसकी इसकी ज़रूरत अब नए सिस्टम आ गए, नया सिस्टम जिससे इंश्योर हो जाता है कि कोई एक्सीडेंट जी का जो खतरा है कोई जी नहीं। जी ठीक है, ठीक है। अच्छा ये मैं दर्शकों को ये भी जानकारी, दर्शकों को बहुत सी पता भी होगा कि चंडीगढ़ का स्टेशन, या ये कहिए कि जो शिमला तक की एक रेल लाइन है, कालका से ले लीजिए या चंडीगढ़ से, ये चाहे हम विदेशी ताकतों को ये कहें कि उन्होंने हमारे देश पे राज किया, हमें गुलाम बनाया, लेकिन ये कहने में किसी को शायद संकोच नहीं होगा कि ये जो उपहार है, ये जो देन है, ये ब्रिटिश सरकार के दौरान ही मिली कि यहाँ से एक शिमला तक लाइन जो चली है जो कि 100 साल से भी ज़्यादा पुरानी है। तो इस तरह से चंडीगढ़ के रेलवे स्टेशन का महत्व बढ़ जाता है, इसलिए भी क्योंकि ये एक ऐसा ट्रांजिट स्टेशन है जहाँ से जम्मू कश्मीर, हरियाणा, पंजाब, यूनियन टेरिटरी चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, बहुत सी जगह है जहाँ पे सामान की लदाई भी है, ढुलाई भी है, आना भी है, जाना भी है। इस तरह से इस स्टेशन का बड़ा महत्व है। तो अनिल जी, ऐसे स्टेशन पर आप जो ये आप कार्यरत हैं, तो इसमें आप ये बताइए कि ये जो रेलगाड़ी जो शिमला के लिए जाती है उसमें जॉय ट्रेन का बड़ा आजकल चर्चा रहती है, जिसमें टूरिस्ट बड़े आकर्षित होते हैं, वो कैसी गाड़ियां हैं, कितने की गाड़ियां होंगी और उसमें बैठने की क्या व्यवस्था रहती है? अभी 8 से 10 गाड़ियां चल रही हैं जी, उनमें पैसेंजर ट्रेन्स भी हैं, मेल एक्सप्रेस गाड़ियां भी हैं जी, और रेल कार भी है, इवन सुपर फास्ट ट्रेन भी हैं। उनकी खास फीचर क्या है, अट्रैक्शन क्या है उनका? अलग अलग गाड़ियों के अलग अलग अट्रैक्शंस हैं। थोड़ा बहुत जैसे अगर आप सुपरफास्ट ट्रेन में जाते हैं जी, तो आपको जैसे शताब्दी में आपको लग्जरी सीट्स मिलती हैं जी जी, वैसे सीट्स मिलती हैं। रेल कार में शीशे की छत है, आप व्यू को बहुत बढ़िया तरीके से साइट सीनिंग कर सकते हो। इसी तरह के हनीमून कपल्स के लिए भी अलग से जरोखा टाइप बनाया गया है, बिजनेस टूर्स के लिए भी गाड़ियां बनाई गई हैं। ओके, तो कई तरह की व्यवस्थाएं हैं ट्रैफिक को गेन करने के लिए। जी जी जी, तो यहाँ जो आपका यार्ड है जैसे स्टेशन का है, तो उसमें रनिंग लाइन कितनी होगी आपकी? देखिए अभी तो रनिंग लाइन्स हमारी हैं 8, लेकिन जब ये स्टेशन शुरू हुआ था तब थी 3। ओके, तब प्लेटफॉर्म 1 था, अब प्लेटफॉर्म 8 है। ओके, और ये जो चंडीगढ़ स्टेशन है 1955 में बना है। ओके, और 1955 से लेके जो असली ग्रोथ हुई है इसकी, वो पवन बंसल जी हमारे मेंबर पार्लियामेंट थे जी जी, उनके टाइम में हुआ है कि उन्होंने इनकी स्टेशन की कैपेसिटी भी बढ़ा दी जी। मेंटेनेंस के लिए हमें, टर्मिनल के लिए हमें सिक लाइन, वॉशिंग लाइन, सिबलिंग लाइन्स मिल गई हैं। ओके, और सबसे बड़ी जो हमारे जो गिफ्ट मिला है वो मिला है चंडीगढ़ से लुधियाना का जो ट्रैक है, और उसके बाद उन्होंने ये चंडीगढ़ टू अम्बाला भी डबल लाइन हो गया है। ओके, और इस तरीके से उनके समय में बहुत ज़्यादा मतलब डेवलपमेंट हुई है। पहले गाड़ियाँ चलती थी हमारे स्टेशन से 25 से 30 जी, अब चल रही हैं 60 से 70 जी, तो काफ़ी गाड़ियाँ यहाँ से ओरिजिनेट होनी शुरू हुई। 8 से 10 प्राइमरी मेंटेनेंस में है, 12 से 14 सेकेंडरी मेंटेनेंस है, कईयों का टर्मिनल एग्जामिनेशन है, और पासिंग के लिए तो गाड़ियाँ है ही हैं जो यहाँ से जम्मू तवी को पास जा रही हैं या अमृतसर जा रही है वाया चंडीगढ़ जा रही है। आपने अभी मेंटेनेंस की बात की है जी जी, तो जैसे गाड़ियों की धुलाई होनी है, गाड़ियों की जो छोट मरम्मत होती है या कुछ इस तरह के, यहाँ पे इस यार्ड में ऐसी व्यवस्थाएं हैं मेंटेनेंस की आपकी, वो कैसी हैं व्यवस्थाएं आपकी? बहुत ही बढ़िया और लेटेस्ट टेक्निक्स वाली हैं। इवन जो हमारा इस वक्त प्रोसेस में है ऑटोमेटिक वॉशिंग प्लांट लग रहा है जी, जिससे गाड़ी जब से वॉशिंग लाइन में जा रही होगी तो ऑटोमेटिक वॉशिंग होती चली जाएगी उसकी जी, और जब गाड़ी बिल्कुल बैक हो जाएगी तो वो गाड़ी धुल चुकी होगी। अच्छा, तो
काफी टेक्नोलॉजिकल काफी मेंटेनेंस का हो रहा है, मतलब हाई एंड मशीन्स इस्तेमाल हो रही हैं जी। चंडीगढ़ का रेलवे स्टेशन जो है वो कहने के लिए चंडीगढ़ है, शायद वो पंचकुला के एरिया में बना हुआ जी जी देखिए चंडीगढ़ आपने भी बताया था शुरू में कि एक तरफ से चंडीगढ़ को हम डील करते हैं, दूसरी तरफ से पंचकुला। तो अगर आप पंचकुला की तरफ से आ रहे हैं तो आप पंचकुला स्टेशन पे आ रहे हैं, अगर चंडीगढ़ की तरफ से आ रहे हैं तो चंडीगढ़ की एक इंटरेस्टिंग सवाल इसके साथ ही और है। पुलिस का आमतौर पे ये रवैया रहता है कि ये हमारे एरिया में अपराध नहीं हुआ, ये तो फला जगह पे हुआ, तो ये रेलवे लाइन क्योंकि ऐसी जगह पर है कि एक तरह से बटा हुआ है, तो उसके लिए पुलिस की जो है वो ड्यूटी की है या रैना की है या कि दोनों की वहाँ पर तैनात रहती है? ऐसा है, जो एरिया है टोटल एरिया वो तो हरियाणा का है जी, तो हरियाणा के होने की वजह से जीआरपी जो स्टेट पुलिस है जी, जो स्टेट रेलवे पुलिस है ओके, उसके अख्तियार में है। अच्छा ठीक है, लेकिन सिविल पुलिस भी है क्योंकि सिविल इलाके भी लगते हैं रेलवे की बाउंड्री के साथ, और इसके साथ ही साथ हमारे पास अपनी रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स है। रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स तो होती है, लेकिन जब क्राइम का कोई मामला होता है वो तो स्टेट का होता है। नहीं, वो सॉल्यूशन निकल आता है क्योंकि उसमें इनकी ज्यूरिडिक्शन को डिफाइन किया गया है। अच्छा अनिल जी, ये स्टेशन जो है ये बड़ी चर्चा रही है कि वर्ल्ड क्लास स्टेशन बनने जा रहा है जी जी, तो वो वर्ल्ड क्लास की क्या डेफिनेशन है, उसमें क्या फैसिलिटीज हो सकती है, प्रेजेंटली क्या फैसिलिटीज हैं, और वो वर्ल्ड क्लास बनाने के लिए जो है बजट भी चाहिए होता है, वो बजट कहाँ से ये करेंगे करते हैं? देखिए इंडियन रेलवे ने एक कॉरपोरेशन बनाया है, इंडियन रेलवे स्टेशन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन जी जी जी, जो नॉमिनेटेड स्टेशन को वर्ल्ड क्लास स्टेशन बनाया। वर्ल्ड क्लास स्टेशन का मतलब यही है कि आपको सभी सुविधाएं का मिलना जी, एक ही स्टेशन के ऊपर जी, उसी में मॉल भी हो सकते हैं, ओके, सिनेमा हॉल्स भी हो सकते हैं, होटल्स भी हो सकते हैं, उसी में आपको स्टेशन पे जो और सुविधाएं मिलनी है। ये प्रपोजल है पाइपलाइन में जी जी, मॉल वगैरह सिनेमा वगैरह जी जी जी, तो ये कब तक इम्प्लीमेंट होने का उम्मीद है? देखिए अगर ये महामारी ना आती तो मुझे लगता है कि कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हो जाता। अभी तक अभी कंस्ट्रक्शन शुरू होना है, होना है जी, लेकिन ये महामारी आने की वजह से काम थोड़े धीमे पड़ गए हैं, लेकिन अभी रेलवे बोर्ड ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है कि शायद दिसंबर या मार्च में इसका काम शुरू हो जाएगा। ओके, तो वो फंड्स जनरेट कर रहे हैं। एक अनिल जी ये बताइए कि जैसे मैंने पहले कहा है कि ऐसा रेलवे ये स्टेशन है चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन कहिए कि जो ट्रांजिट है फॉर सो मैनी स्टेट्स जी जी, जिसमें फ्रेट का काम है, आने चीज़ें जाने चीज़ें, तो क्या कितने की इम्पोर्टेंस आप समझते हैं और क्या कौन सी मेन चीज़ें हैं जो यहाँ पे मालगाड़ियों से ढुलाई में आती हैं या जाती हैं? देखिए हमारे पास आने में तो सबसे पहले फर्टिलाइजर, स्टील जी, नमक, ओके, क्लिंकर। क्लिंकर को जरा हमारे दर्शकों को क्लियर कर दें। क्लिंकर रॉ मटेरियल है, ये सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग में इस्तेमाल किया जाता जी, है जी, और कंस्ट्रक्शन में वैसे भी इस्तेमाल किया जाता जी, है जी। और जाने में हमारे पास है ट्रैक्टर्स और क्लिंकर क्ले जी, ये मिड क्ले जो है ये भी सीमेंट का ही रॉ मटेरियल है। तो सभी जितने भी ये कमोडिटीज आ रही हैं सभी के वेयर हाउसेस बने हुए हैं स्टेशन के, माल गोदामों की व्यवस्था है। एसी वगैरह कभी वो सेंट्रली होते हैं, एयर कंडीशन या क्या होता नहीं, ऐसे ही अगर पेरिशेबल कमोडिटी होती तो है वो भी व्यवस्था नहीं है। पेरिशेबल नहीं आता वो फिर आप, नहीं है ओके, पेरिशेबल होता तो होते ये चीज। हिमाचल से सेब बहुत आता है, वो सब ट्रकों से आता है या कि नहीं, बाय ट्रेन भी आता है? बाय रोड है, बाय रोड है जी। ये सन 1995 से लेके 1998 तक रेलवे ने उसको मतलब ट्रांसपोर्ट किया है, लेकिन अभी बाय रोड है जी। एक अब जो
मंत्री लोग तो कहते हैं, सरकारें सारी बोलते हैं कि हम इसका आगे ऐसे विस्तार करेंगे, जैसे लुधियाना के लिए रेल लाइन बनी बंसी अपना बंसल जी के टाइम में, पवन बंसल जब रेल मंत्री थे। तो इस तरह से अब अगली प्रपोजल थी कुछ, हमने सुना था यमुनानगर साइड या मोहाली साइड, वो कौन कौन सी लाइन है जो प्रपोजल में है या कोई इम्प्लीमेंटेशन के पास भी है कुछ? देखिए, सभी सरकारों ने, पंजाब ने भी, हरियाणा ने भी जी, और रेलवे ने भी जी, हिमाचल ने भी, चंडी मंदिर से बद्दी का सर्वे हो चुका है, ओके, चंडीगढ़ से यमुनानगर का सर्वे हो चुका जी, है जी, मोहाली से राजपुरा का सर्वे हो चुका है। तो अब ये तो सरकार के ऊपर डिपेंड करता है कि सर्वे होने के बाद की जो कार्रवाई है वो कब कितनी इम्पोर्टेंस देती है, किस जी, किस प्रोजेक्ट में कितना पैसा इन्वेस्ट करती है। ये कह रहे जी पार्किंग का पीछे कुछ पहले, जब तो कोरोना हो चुका है, कोरोना की वजह से ट्रेन भी नहीं चल रही है, वो सवाल भी हम आपसे करेंगे, लेकिन साथ ही जोड़ देते हैं सवाल को, जैसे पार्किंग से भी लाभ होता ही, पार्किंग के कुछ प्राइवेट देने पर कुछ पैसे बढ़ाए गए थे, ऐसा कुछ लोगों में कुछ उस बात को लेकर उत्तेजना भी थी। और नंबर दो, साथ ही जुड़ा हुआ इकट्ठा ही आप आंसर दे सकते हैं कि अब रेल बंद है, सारी ट्रेन सेवा तो बंद ही है, तो ये इतना घाटा हो रहा है, तो ये कब तक आपको क्या आगे की प्रपोजल सरकार की लग रही है, कि कोई ऐसी आपके पास इन्फॉर्मेशन है कि आने वाले समय में अब ये कुछ दोबारा से शुरू करेंगे? देखिए, ये रेलवे को घाटा नहीं है इसमें, रेलवे ने कॉन्ट्रैक्ट दिए हुए हैं और एक रेट फिक्स किया हुआ है। पार्किंग की बात कर, पार्किंग की बात, जी जी जी, ये सभी पार्किंग जो है प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स के पास है और रेट भी रेलवे ही तय करती है जी। तो अगर वो खुद अपने से रेट नहीं इसको बढ़ा सकता जी, पहली बात। तो इसमें जो अगर पार्किंग में अगर बीमारी की वजह से लोग नहीं आ रहे या कम आ रहे या पार्किंग में, तो वो लॉस कॉन्ट्रैक्टर का है, रेलवे का इससे कोई लेन देन नहीं, क्योंकि रेलवे ने जो एज पर कॉन्ट्रैक्ट जो पैसा लेना है वो कॉन्ट्रैक्टर से ले ही लेना है। जी जी। और चंडीगढ़ में जो पार्किंग है वो IRSDC के पास है, ओके, इंडियन रेलवे स्टेशन डायरेक्टर स्टेशन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के पास है। तो ये लोग रेट नहीं बढ़ा सकते जी, तो इसके ऊपर रेलवे की, हाँ रेलवे ने बीच में ऐसा सोचा जरूर था कि प्लेटफॉर्म टिकट को बढ़ा दिया जाए जी, लेकिन बाद में तय हुआ कि प्लेटफॉर्म टिकट देना ही नहीं है किसी को, ओके, जिसके पास टिकट होगा वही प्लेटफॉर्म पे आएगा जिसने यात्रा करनी है, अगर कोई जाना छोड़ने जा रहा है वो नहीं आ सकता, एज जैसे एयरपोर्ट पे होता है, ओके, आप एक निश्चित जगह तक ही आ सकते हैं, उसके बाद वो अकेला ही ट्रैवल करता है, वैसे ही उस तरह से है। अब ऐसा नहीं है कि जा पास जाके बाय बाय करना है, हाँ, वो सिस्टम खत्म। हाँ, उसमें रेलवे को भी ये एक और फायदा है, पैसेंजर्स को भी फायदा है, पहले एक आदमी को चढ़ाने के लिए 10 लोग ट्रेन में भी चढ़ जाते, क्राउड ज्यादा हो जाता था और फिर जब गाड़ी मूव करती थी तो उतरते वक्त मिस हैपनिंग्स भी होती थी, AC भी होती थी, चेन पुलिंग होती थी, तो कहने का ये मतलब ये चीज़ें मतलब नुकसान ही देती थी, अगर अब इस चीज़ को रोक दिया गया तो अच्छी बात है। अच्छा अनिल जी, हम समापन की ओर बढ़ते हैं। जी जी जी, आप हमारे दर्शकों को ये जानकारी दीजिए स्टेशन के बारे में कि बहुत से बुजुर्ग होते हैं, बच्चे होते हैं, एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पर जाना है, उसके लिए आपकी क्या व्यवस्थाएं हैं, विकलांग हैं, दूसरे लोग हैं, तो उसके लिए एलिवेटर या लिफ्ट या ब्रिजिस, वो क्या आपका सारा तामझाम है वहाँ पे? चंडीगढ़ स्टेशन पे चाहे बुजुर्ग हो, चाहे विकलांग हो या किसी भी तरह से अनेबल हो जी, तो सबसे पहले तो हमारे पास व्हीलचेयर की अरेंजमेंट है जी, स्ट्रेचर का अरेंजमेंट है बीमार लोगों के लिए जी, और बुजुर्ग लोगों के लिए एक कार का अरेंजमेंट है जो प्लेटफॉर्म पे चल सकती है बुजुर्ग लोगों के लिए। और सभी प्लेटफॉर्म्स पर हमारे एलिवेटर्स लगे हुए हैं। कितने प्लेटफॉर्म है टोटल? 8 प्लेटफॉर्म, 8, और 8 के 8 पर लिफ्ट्स भी हैं जी और एलिवेशंस भी जी, और फुट ओवर ब्रिज एक ही है लेकिन वो उसका जो स्पेस है, उसकी जो चौड़ाई है वो काफ़ी
ज़्यादा है, तो इसलिए कोई किसी भी यात्री को समस्या नहीं आती। जी। अच्छा अनिल जी, मैं एक अंतिम सवाल है मेरा, जी जी जो कि मानवीय एक तरह से जुड़ा हुआ है मानवीय पक्ष से, जी कि रेलवे एक ऐसा उद्योग कह लीजिए, ऐसा व्यापार या व्यवसाय कह लीजिए, जिसमें बहुत से लोगों की रोजी रोटी जुड़ी होती है, बहुत से लोग आश्रित होते हैं, जिनमें से सबसे महत्वपूर्ण एक सिंबॉलिक तौर पे हम कह सकते हैं वो होते हैं कुली। जी 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 तो चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन पर भी कुलियों का संख्या होगी जो रजिस्टर्ड होते हैं बकायदा, उनको आप लोगों की तरफ से एक वो प्लेट वो मिलता है, बिल्ला बैज मिलना मिलता है, जो यहाँ पे बैच उनके लगा भी होता है। तो बिल्ला। वो उनकी कितने की संख्या होगी, और आज के कोरोना के वक्त में जब स्टेशन पे कोई गाड़ियाँ नहीं चल रही हैं, कोई यात्री नहीं आ रहे हैं, तो उनका तो अपना वो पेट पालन या उसकी क्या व्यवस्था हो रही होगी, इसके बारे में कोई बताइए। और दूसरे भी कुलियों के अलावा भी बहुत से लोग वहाँ पे ऐसे हैं जो देखिए, अब मैं जो बेरोजगार हैं। लगेज पोर्टर्स हैं, कुली जिनकी आपने बात की है, जी ये बड़े रेलवे के लिए बड़े इम्पोर्टेंट हैं। जी वो इसलिए कि इनका यात्रियों के साथ सीधा संवाद होता है। ओके अब जितना रेलवे को ये जानते हैं, क्योंकि ये जब से रेलवे स्टेशन बना है तब से यहीं पे काम कर रहे हैं, ओके क्योंकि कर्मचारी तो बदलते रहते हैं, हर 3 साल जी बाद तबादला हो जाता है। तो ये सबसे ज्यादा स्टेशन को ये लोग जानते हैं, और पैसेंजर को भी ये यही लोग हैं जो बिल्कुल ठीक और एक्यूरेट उसको गाइड करते हैं। इंफॉर्मेशन देते हैं। तो मैंने आपको जैसे पहले कुलियों के बारे में बात कर रहा था, तो उसके बारे में आप जानकारी दे रहे थे कुछ। जी। तो हाँ हमारी संस्थाएं हैं, जैसे ऑफिसर कि अपनी एक संस्था बनी हुई है जी डिविजनल लेवल पे, तो वो हर महीने इनको राशन दे रहे हैं। जी कुछ एनजीओज हैं, ओके जैसे कि मैं नाम लेना चाहूँगा, रोटरी क्लब है यहाँ पे, उन्होंने भी एक दो बार राशन लिया है यहाँ पे। जी तो जी कहने का मतलब यह है कि अब दो स्पेशल गाड़ियाँ चल रही हैं, थोड़ा जी जी बहुत वो उधर से भी अपने आप को अकोमोडेट कर रहे हैं, तो ठीक चल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद अनिल जी। तो जी ये थे चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन के सुपरिंटेंडेंट, जिनसे हमने जानकारी चाही कि चंडीगढ़ के स्टेशन पर क्या फैसिलिटीज़ हैं और आने वाले टाइम में सेवाओं में क्या वृद्धि होगी। तो इसी के साथ हम अपने दर्शकों से इजाज़त लेते हैं, फिर मिलेंगे किसी नई शख्सियत के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। ताज़ा अपडेट्स व बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश टीवी, और बेल आइकन दबाना ना भूलें।